गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जैस रहती है वो इशिका को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है गिरने से। उसकी वेस्ट को टच जब करती है तो इशिका को भी थोड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। दूसरी तरफ जो सैम और नेहा रहते हैं वो लोग तो अजीब ही तरीके से देख रहे रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ और दिख रहा रहता है, कुछ और समझ आ रहा रहता है, और यहाँ सिचुएशन कुछ अलग ही दिख रही रहती है। तो अब समझ में नहीं आ रहा रहता है कि हो क्या रहा है। नेहा का जो देखने का तरीका था वो सैम बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअल में वो वाली नेहा बन रही है जो स्टार्टिंग में मिली थी। मतलब वो ओपन तो थी बट वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। जो उसका नेचर उसने वो बर्थडे पार्टी में देखा था, जब वो पुनीत के भाई की बर्थडे पार्टी में गए थे, तब जब वो ये सब हालात हुए थे, तो वो सब देख के उसे याद आता है कि ये वो ही नेहा है। वो तो बस मेरे साथ रहकर थोड़ी सी ओपन होने लग गई है, बट एक्चुअल में वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो और जब बात आए इशिका की तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी थी। तभी जो जायस को वो इशारों में बोलती है, कमर से हाथ हटा उसका वरना नेहा तेरी बजा डालेगी। जायस को समझ में नहीं आता है, फिर वो इशारों में उसको बहुत अच्छे से समझाती है। तब एकदम से वो क्या करती है, अपना कमर हटाती है और बोलती है, आर यू ओके? तो इशिका बोलती है, हाँ आई एम ओके। तो इशिका है वो जायस जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। ये देखकर तो इशिका को थोड़ा सा अजीब लगता है कि अभी तक तो ये साथ में थी, अब एकदम से डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर रही है, क्या हो गया है इसको? और वहाँ जो जैस रहती है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सैम के पास आ जाती है। और जैस जो एकदम से साइड में होकर सैम के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। जो नेहा है वो इशिका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो हमें घर चलना चाहिए अभी। तो वो बोलती है, हाँ दी चलो घर चलते हैं, मैं अपना एयरपोर्ट्स वगैरह सब ले लूँ, 2 मिनट रुक जाओ। और वो वहाँ से पूरे पैक करने लगते हैं। सैम और जैस एक दूसरे को देख रहे रहते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, तो उन्हें शायद इशारों में भी समझ जाते हैं एक दूसरे की बातें, उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है बोलने की। तो यहाँ पर जैस समझ चुकी थी कि नेहा को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसका इशिका के इतना करीब आना। तो वो सोचती है, यार मतलब मेरा तो कुछ ऐसा इंटेंशन भी नहीं था, पर अब जो हो गया सो हो गया। तो ये दोनों वहाँ से अपना बोलते हैं, तो जैसे ही जा रहे रहते हैं तभी सैम बोलती है, नेहा ध्यान से जाना हाँ, और मुझे कॉल करना। तभी वो बोलती है, हाँ मैं कर दूँगी कॉल आपको, और आप टेंशन ना लीजिए, और मुझे जाना होगा, बाय। और ऐसे करके चली जाती है। तभी जैस एकदम से पूछती है, इसका मूड क्यों ऑफ हो गया एकदम से, तो उससे मिलकर खुशी नहीं? कहती, ओए सैम हूँ मैं, मुझसे मिलकर हर किसी को खुशी होती है, पर प्रॉब्लम तो तू है। अच्छी खासी मेरी लव लाइफ सेट नहीं हुई, अपनी ताका भिड़ाना है तुझे इशिका के साथ। और अच्छा याद आया, वो एयरपोर्ट्स तो तूने समवन स्पेशल के लिए लिए थे, तो तेरी समवन स्पेशल यही है? तो कहती है, अरे यार ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि किसी को गिफ्ट देना है पर वो मेरी तरफ से होगा, इसलिए मैंने तुझसे पैसे नहीं लिए, पर ये थोड़ी ना कहा था कि वो समवन स्पेशल है, तू कुछ भी ऐड मत कर। हाँ अच्छा मैं ऐड ना करूँ? और भाई साहब क्या दिख क्या रहा था, कमर में हाथ डाले जा रही है। तू ना थोड़ा सा कंट्रोल करा, तुझे पता भी है वो इशिका है, वो बच्ची है, छोटी है अपन से। तो कहती, हाँ छोटी है तो उसका मतलब क्या है, मतलब छोटे लोगों को पसंद नहीं कर सकते आप? तो कहती, बात पसंद की नहीं है, बात एक्चुअल में ना वो नेहा की बहन है, एंड नेहा वॉज टोटली प्रोटेक्टिव। तुझे नहीं पता है यार, यू नो वॉट, जब मैं फर्स्ट टाइम नेहा से मिली थी और हमें पुणे आई थी, तो वो बर्थडे पार्टी का में हुआ था, उसने कैसे कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बहुत प्रोटेक्टिव है। तो सैम जो रहती है वो पूरी डिटेल में उसे बताती है कि बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था, पुनीत वगैरह हुआ था। उस वक्त उसे पता चला था कि नेहा बहुत प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव है इशिका के लिए। तो वो कहती है, हाँ यार प्रोटेक्टिव होना भी चाहिए यार, अपनी बहन के लिए कौन प्रोटेक्टिव नहीं होता है। तो कहती है, होगा ही ना, लेकिन अब तू डायरेक्ट वेस्ट पे हाथ डाल रही है यार,
थोड़ा तो समझ। जैस बोलती है, अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैंने इंटेंशनली डाला है। वो गिर रही थी यार, और जब वो गिर रही थी तो यार मैंने से उसको प्रोटेक्ट ही तो किया है। अब वो गलती से वेस्ट पे हाथ लग गया तो बात अलग है। तो गलती से, चल ठीक है मान लिया गलती से हुआ। अब मुझे एक बात तो अच्छे से बताएगी। तो कहती है क्या पूछना? तो कहती है डू यू लाइक हर? कहती हाँ आई लाइक हर, आई मीन यार अच्छी है, बच्ची है छोटी सी। अब ये मत सोचना कि लाइक का मतलब है कि मैं प्यार व्यार करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यार। और बस इतना है कि अच्छी है, क्यूट सी छोटी सी बच्ची है, नटखट है, अच्छा लगता है उसके साथ है ना, बस इतना सही तो है और क्या। पता है तुझे, स्टार्टिंग सबकी ऐसी होती है जैस, मतलब धीरे धीरे हमें अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हमें प्यार होने लगता है, फिर कहाँ से कहाँ हमारी कहानी जाती है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तेरे साथ होने वाला है? तो बोलते कुछ भी नहीं यार, मेरा किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी मैं यहाँ पुणे ना सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्पिरेशन लेने आई हूँ। मुझे ना एक बहुत अच्छे पेंटिंग बनानी है। डिड यू गेट दैट? पेंटिंग बनानी है, और उस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे कोई इंस्पिरेशन चाहिए। हालांकि यहाँ मुझे दिल लगी नहीं करने आई हूँ, मुझे बस एक पेंटिंग अच्छी बनानी है। मेरा एग्जीबिशन है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती कोई ना, सब समझ में आ जाएगा। एक काम क्यों नहीं करती है तू, थोड़ा सा बाहर घूम, पुणे वगैरह घूम, तो तुझे मिल जाएगा। अच्छा अभी तो फिलहाल हम घर चलें। तो कहती हाँ घर तो चलेंगे, बट यार आज ड्रिंक करने की इच्छा है, पब होते हुए चलें। तो कहती है ठीक है यार, मुझे क्या प्रॉब्लम है, चल। तो यहाँ से जो सैम और जैस रहते हैं, वो अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म करने के बाद यहाँ से पब में जाते हैं। पब में बहुत अच्छे से मस्ती मजाक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर बहुत लड़के लड़कियाँ बहुत सारे होते हैं जो इन लोगों को अप्रोच भी करते हैं डांस करने के लिए, लेकिन जो सैम रहती है वो किसी के साथ डांस नहीं कर रही रहती है। जैस को भी बस वो इशिका की वेस्ट पे टच करना, इशिका के साथ बातें करना, वो सब उसको इतना ज़्यादा याद आ रहा रहता है, और उसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही रहती है। तो इस वजह से वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ड्रिंक का सहारा लेती है। और सैम तो एक्चुअली खुश बहुत रहती है कि उसे इतने दिनों के बाद अपनी जान से मिलने का मौका मिला है, तो वो उस खुशी में ड्रिंक करती है। सैम बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे जा रही थी। जैस भी बहुत ज़्यादा जैस जो थी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए। एक तरफ वो इशिका की जो साथ फीलिंग से लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसे ये भी याद था कि वो नेहा की बहन है, चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकती। अगर बाय चांस उसने कुछ भी किया तो सैम और नेहा के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। जैस के दिमाग में इतनी सब कन्फ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था कि ड्रिंक करो और सिचुएशन से भूल जाओ। पर ऐसा होता कहाँ है, ड्रिंक करने के बाद तो हम आउट ऑफ खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, फिर ये जब दोनों ड्रिंक कर लेते हैं तो जो जैस रहती है वो कैब बुक करती है और अपने फ्लैट में चले जाते हैं। फ्लैट में जाने के बाद नेहा का कॉल आता है, तो जो सैम होती है वो कॉल देखती तो है पर उसे बहुत डर लग रहा था पिकअप करने में, क्योंकि जो नेहा है उसे ड्रिंकिंग पसंद नहीं रहती है, लेकिन वो नहीं करती है। तो बहुत देर तक कॉल करने के बाद भी सैम अब नहीं करती है, तो वो जैस को फ़ोन करती है। जैसे ही वो जैस को फ़ोन करती है तो जैस बोलती है कि हाँ नेहा आपने मुझे कॉल किया। तो वो बोलती है यार व्हाई डोंट यू पिकअप कॉल, मतलब मेरे को आपको भी इतने सारे कॉल करने पड़ रहे हैं, मैं नेहा को मैं सैम को भी बहुत ज़्यादा कॉल कर रही हूँ, वो भी मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रही, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कहती है एक्चुअली हम लोग ना पब गए थे, जैस बोलती है, तो थोड़ी सी ड्रिंक कर ली है तो इस वजह से वो सो गई है, इसलिए उसने आपका कॉल पिकअप नहीं किया। तो कहती ओके, पर ड्रिंक करने का सिचुएशन क्या थी? तो कहती ऐसी, मतलब आज मूड भी था, और सच बात तो ये है कि वो हैप्पी थी कि आप उसे मिले हो, इस वजह से ड्रिंक हो गई। हाँ जैस मैं समझती हूँ मैं मिली हूँ, बट कि वो ज़्यादा ही लिमिट मतलब जब खुश होती हैं तो बहुत ज़्यादा पी लेती हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो वो कहती है डोंट वरी आप टेंशन मत। तो वहाँ पर जो इशिका बैठी रहती है वो ये सारी बातें सुन रही रहती है। तभी नेहा जैस से पूछती है कि आपने भी ड्रिंक करी है क्या?
तो जैस वहाँ से आंसर देती है यस। तो वो बोलती है तभी नेहा बोलती है आप दोनों ड्रिंक कर रहे हो, आप कैसे हैंडल करोगे एक दूसरे को। तो जैस बोलती है इसमें हैंडल क्या करना, दोनों सो जाएंगे और कुछ नहीं। तो इशिका ये बात सुन लेती है कि जैस ने भी ड्रिंक करी है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसकी सिस्टर की तरह वो भी ऐसी रहती है। थोड़ी देर तक ऐसी बात होने के बाद जो नेहा है वो पीछे टर्न होके देखती है, तो वो ये देखती है कि जो इशिका है वो बहुत ध्यान से हमारी बातें सुन रही है। जो चीज़ नेहा को पसंद नहीं रहती है, नेहा नहीं चाहती थी कि उसकी सिस्टर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो वो तभी इशिका को कहती है कि इशिका तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रूम में जाना चाहिए, और क्या तुम हमारी बातें सुनती रहती हो, आई थिंक तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। इशिका को समझ में नहीं आता कि उसकी दी इस तरीके से बात क्यों कर रही है क्योंकि आज तक उसकी दी ने कभी इस वे में उससे बात ही नहीं करी। तो वो उठती है और बोलती है दी आई थिंक यू नीड अ ब्रेक, आप बहुत रूड तरीके से मुझसे बात कर रहे हो और जब से हम लोग मॉल से आए यू बिहेविंग डिफरेंट विथ मी, आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बट जब आप क्लियर हो जाओ और आपको जब ठीक लगे तब आप मेरे पास आइएगा, ऐसे मुझे ये सब बातें मत करिए। और हाँ अगर मैं अपने काम से काम रखती ना तो आपकी जो सैम है ना वो आपको नहीं मिल पाती है, ये मत भूलिए कि सैम की हेल्प भी मैंने करी है, तो आप ना मुझे ये सब बातें ना सुनाएं तो ज़्यादा बेटर है। इशिका को बहुत हर्टफुल होता है क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसको रूड वे में बोला रहता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और तो सैम तो नेहा को रियलाइज होता है कि हाँ उसने बहुत गलत वे में बोला क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करती तो सैम मेरे पास तक नहीं आ सकती थी, और मैंने ये कैसे कह दिया कि अपने काम से काम रखो। फिर उसे वो भी चीज़ याद आती है कि मॉल में किस तरीके से जैस ने उसकी कमर को पकड़ा था। वो नहीं चाहती है कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो क्योंकि एक का रिलेशन तो सेट हुआ नहीं है, अब दूसरा अपना रिलेशन बनाने जा रहा है, जो चीज़ नेहा को बिल्कुल सही नहीं लगती है। थोड़ी देर के बाद जो नेहा रहती है वो अपना डोर लॉक करती है और बहुत देर तक सोचती है कि क्या चल रहा है जैस और इशिका के बीच में। फिर वो सोचते सोचते उसको भी कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। दूसरी तरफ जो हमारी इशिका रहती है वो जाती है और वो मैसेज करती है जैस को, और वो मैसेज बहुत कैजुअली मैसेज होता है हाय, फिर जैस का भी रिप्लाई आता है हेलो, फिर वो बोलती है थैंक यू फॉर द गिफ्ट, तो जैस बोलती है मेंशन नॉट इट्स अ जस्ट अ गिफ्ट, तो बोलती है व्हाई यू ड्रिंक, तो जैस बोलती है ऐसे ही पी लिया था ओकेशनली, कभी कभार ड्रिंक करते हैं, क्यों आपको ड्रिंक्स पसंद नहीं है। तो इशिका वहाँ से बोलती नहीं मुझे ड्रिंक्स पसंद नहीं है, आई मीन ठीक है कभी कभार बट एक लिमिट में, वन पैक इज़ गुड बट आई डोंट थिंक कि आपने वन पैक लगाई है, आपने कुछ ज़्यादा लगाई है। तभी जैस बोलती है हाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मेरा, और सैम ने भी बहुत ड्रिंक करी है ना, इशिका पूछती है। तभी जैस बोलती है हाँ वो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खुशी है, तो कहती है ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, दीदी को ड्रिंक वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, कल जाके अगर गुस्सा कर लिया तो कहती है करने दो मुझे उससे क्या, मैं इतना नहीं सोचती, वो दोनों का रिलेशन है वो जाने जैसे हैंडल करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बोलूँ इशिका, ये ना लव वर्ड्स के बीच में घुस के कोई फ़ायदा नहीं होता, ये कब एक हो जाए पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन बुरे आप बन जाओगे, सो प्लीज़ स्टे अवे विद दैट। तो वो कहती है हाँ मुझे भी कोई लेना देना तो नहीं है पर मुझे आपसे लेना देना है, मुझे नहीं पसंद कि आप ड्रिंक करो। जैस पूछती है क्यों नहीं है आपको पसंद, तो इशिका कहती है इसलिए क्योंकि ड्रिंक से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए तो ना पियो तो अच्छा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, तो इसलिए। तभी जो सैम जो जैस रहती है उसको थोड़ा सा फ्लर्टी वे में बोलती है ओके तो आपको मेरी केयर है, तो इशिका कहती नहीं नहीं एज अ फ्रेंड मैं बोल रही हूँ, तो जैस बोलती है एज अ फ्रेंड भी तो केयर होती है ना, मैंने कब कहा कि आप केयर एज अ लवर कर रहे हो। इशिका अपनी ही बातों में फंस चुकी रहती है, तब वह कहती है हाँ मतलब
हाँ अच्छा, जैज़ बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मुझे सोना चाहिए क्योंकि कल मुझे कॉलेज भी जाना है। और इफ़ यू डोंट माइंड मैं सो जाऊँ। और ऐसे कहकर वो फ़ोन रख देती है और बोलती है, जैस ने तो मुझे फंसा ही दिया था, पता नहीं वो ऐसे कैसे मुझे बोल देती है। और मैं भी क्या इडियट की तरह कुछ भी बोले जा रही थी। वो बहुत स्माइल करती है इशिका, और अपनी स्टुपिडिटी पे बहुत ज़्यादा हंसते हुए मोबाइल रख कर सो जाती है। वहाँ पर जो जैस रहती है वो भी बहुत स्माइल कर रही रहती है, और उसे भी अच्छा लगता है कि जब कोई उसको ये बोलता है कि ड्रिंक ना करिए, एक केयरिंग वे में जो उसे एटीट्यूड मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। रात ऐसी इन लोगों की कट जाती है, जब मॉर्निंग में सैम उठती है तो उसे बहुत हैंगओवर होता है, तो उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में करीब 7 बजे कॉल आ जाता है नेहा का। तो नेहा का वो कॉल पिकअप करती है, बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी, तो कहती है अच्छा हाँ गुड मॉर्निंग, सर दुख रहा है आपका? तो सैम बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पर आपको कैसे पता? तो कहती है कि जब ड्रिंक करोगे इतनी ज़्यादा तो दुखेगा ही ना। अच्छा डिस्प्रिन की टैबलेट है वो खा लो अगर हो तो। तो कहती है नहीं मेरे पास है नहीं है। तो वो कहती है तुम्हारा पर्स तुम्हारा बैग कहाँ है? तो वो बोलती है हाँ रखा है। तो बैग को ओपन करो, तो वो ओपन करती है तो उस बैग के एक छोटे से पॉकेट जो जिप रहता है वहाँ पर एक मेडिसिन्स का एक एनवलप रहता है। वो जैसे ही एनवलप ओपन करती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स रहती है। तो कहती है ये किसने रखी है? तो नेहा बोलती है मैंने रखी थी इमरजेंसी में, मुझे पता था कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन ये बैग आपका हमेशा से फेवरेट है, तो इस बैग को आप कभी भी कहीं पर भी लेकर जाते हो, तो उसे मेडिसिन्स मैंने ही रखी थी कि कभी बाई चांस इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, और हालांकि आज आपको ज़रूरत पड़ ही गई है, तो आप उसमें से वो जो डिस्प्रिन की मेडिसिन है वो खा लीजिए। तो सैम बहुत स्माइल करते हुए बोलती है बेबी यू लव मी सो बैडली ना, यू जस्ट टेक केयर ऑफ मी सो बैडली दैट कि अगर मैं मेडिसिन नहीं खाऊं या मेरे कुछ भी हो आप बहुत केयर करते हो यार, थैंक यू सो मच। तो वो कहती है मक्खन मारना बाद में, पहले जाओ और दवाई खाओ। तो सैम जाती है दवाई खाती है, और उसे थोड़ा काफ़ी टाइम पहले तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा रहता है, फिर थोड़े बाद वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करती है, और जैसे ही वो बेटर फील करती है तो वो बोलती है कि मैं अच्छी फील कर रही हूँ। तो कहती है ठीक है, तो वो बोलते हैं हम ऑफिस में मिलते हैं। अब ऐसा था कि जो ऑफिस था वो नेहा का था और सैम फर्स्ट टाइम जा रही थी। जैसी ऑफिस का टाइमिंग हो जाता है करीब 10 बजे, और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो भी सोकर नहीं उठी रहती क्योंकि उसे तो कहीं जाना ही नहीं है और उसे तो कुछ है ही नहीं, और वो तो आर्टिस्ट है तो उसे तो अपनी इंस्पिरेशन ढूंढनी है, तो उसे कोई जल्दी उठने का नहीं रहता है, ऑफिस जाने का कोई क्रेज़ नहीं रहता है, वो आराम से सो रही रहती है। पर जो इशिका है वो अपने कॉलेज चली जाती है, कॉलेज अटेंड करती है, और इसी 10 बजे वो कॉलेज में चली जाती है, और जो सैम और नेहा रहते हैं वो ऑफिस जाते हैं। जब सैम ऑफिस जाती है तो उसे इशिका सॉरी उसे नेहा इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे। अक्षिता जो रहती है वो बहुत ज़्यादा घूरे जा रही रहती है सैम को, क्योंकि सैम की पर्सनालिटी थी ऐसी कि कोई लड़की उसे ना देखे ऐसे हो सकता है, और अक्षिता को तो पहले से पता था कि जो नेहा है वो सैम को प्यार करती है और सैम भी नेहा को प्यार करती है, पर कहते हैं ना कभी कभार पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि नज़र ही ना हटे, सेम चीज़ अक्षिता के साथ होता है। अक्षिता सिर्फ और सिर्फ सैम को देखी जा रही रहती है, नेहा ये चीज़ नोटिस करती है, और इंट्रोडक्शन जब ख़त्म हो जाता है सब चीज़ का तो नेहा अक्षिता के पास आकर बोलती है क्या है जो तू इतने घूरे घूरे जा रही है, ऐसे नज़र मत लगा यार उनको। तो कहती यार क्या करूँ नज़र हट ही नहीं रही है, आई मीन तुझे पसंद आया अभी तो कौन आया, बहुत हॉट है यार, आई मीन लुक एट हर पर्सनैलिटी, लुक एट हर ड्रेसिंग सेंस, लुक एट हर यार आप काफ़ी अट्रैक्टिव है, तभी तो मैं सोचूं कौन तुझ जैसी खड़ूस इंसान जो लाइफ की सबसे बोरिंग इंसान है उसे चेंज कर दिया,
यार वो है, वो लायक ही है यार, क्या है। अक्षिता नॉन स्टॉप करे हुए सैम की तारीफ करी जा रही रहती है। सैम अपने काम के लिए आती है और जो नेहा है वो सैम को बोलती है कि हमें सीनियर मैनेजर से मिलना पड़ेगा। तो सैम बोलती है ठीक है। तो वहाँ जो सीनियर मैनेजर रहता है वो मेल रहता है और वो अक्षिता से मिलता है, और सॉरी सैम से मिलता है। सैम से जब वो मिलता है तो उसे पूरा चीज़ें इंट्रोड्यूस कराता है और वो कुणाल रहता है। कुणाल बहुत ज़्यादा सीनियर रहता है वहाँ का, एक अच्छा सीनियर डेवलपर रहता है, प्लस वो मैनेजर रहता है। जब उसे नेहा से इंट्रोड्यूस नेहा जब उनसे इंट्रोड्यूस कराती है सैम को, तो कुणाल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है, ना कि बाय लुक और पर्सनैलिटी, बाय द इंटेलिजेंसी ऑफ सैम। सैम की इंटेलिजेंसी उसे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने में ये प्रोजेक्ट बन रहा था, कोलैबोरेशन हुआ था इन दोनों का, तो उस हिसाब से जो न्यू न्यू आइडियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सैम की तरफ से आए थे। सैम ने बहुत अच्छे से उसे चीज़ों का एक्सप्लेन किया था, और अभी जो आगे वो और इनोवेशन लेकर आ रही थी वो काबिले तारीफ था। सैम की इस बारी चीज़ों से वो बहुत इम्प्रेस होता है। फिर जो सैम का कैबिन रहता है वो अलग रहता है और नेहा का कैबिन अलग रहता है, क्योंकि सैम एज अ कंसिडर एज अ मैनेजर, वो दूसरी कंपनी की मैनेजर रहती है, तो उसको एक अलग कैबिन और अलग हर एक चीज़ दी जाती है। जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती, क्योंकि पिछले ऑफिस में तो ये था कि सैम और नेहा एक साथ बैठते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो वो यही चाहती थी कि नेहा उसके साथ बैठे। बट वो इस कंपनी में एज अ सीनियर पोजीशन पे आई थी और कुछ 1 या 1.5 हफ्ते के लिए, तो वो अपनी कुछ डिमांड्स तो नहीं रख सकती थी ना, इसलिए वो चुपचाप अपना काम कर रही रहती है। बट जो एक बोलते हैं ना ग्लास विंडो, ग्लास विंडो से वो नेहा को देखती ज़रूर रहती थी। दूसरी तरफ नेहा, अक्षिता और बाकी टीम मेंबर्स एक साथ मिलके जब काम करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में जो सैम को बहुत ज़्यादा नेहा की याद आती थी, तो वो उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाती थी। जब जैसी वो उसे अपने कैबिन में कॉल करके बुलाती थी, तो जो अक्षिता है उसे समझ में आ जाता था। अक्षिता बहुत ज़्यादा मज़े लेते हुए कहती थी, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें बुलावा आया है, कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है यार, तेरे बदले मैं जाऊँ क्या एक दो बार, प्लीज़ जाने देना यार, देखना है मुझे उसको। तो कहती, चुप कर यार, तू क्या कर रही है, प्यार करती हूँ मैं उससे, ऐसे मत कर यार। तो कहती, करना प्यार किसने मना किया है, कम से कम मुझे आंखें तो सेकने दे, मुझे बाहर जाके देखने तो दे यार, क्या प्रॉब्लम है यार, वो इतनी हॉट है ना, मुझे देखने का मज़ा ही कुछ और है, प्लीज़ थोड़ा तो समझना। यहाँ पर जो नेहा रहती है वो भी थोड़ी पजेसिव रहती है, तो कहती है, नहीं मैं ही जाऊँगी। बार बार जब कैबिन में जाने के बाद कुछ ना कुछ काम से भले सैम बुला तो रही थी, पर वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही थी कि जिसकी वजह से वो मतलब नेहा के ऑफिस में उसकी बदनामी हो या फिर सैम की खुद की बदनामी भी हो, क्योंकि सबसे पहले रैपो इज़ कम फर्स्ट, तो इन दोनों के लिए अपनी रैपो को भी मेंटेन करना, रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना, प्लस काम को भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी ये लोग मैनेज कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो इस बार जब नेहा कैबिन में आती है तो सैम से कंट्रोल नहीं होता है और सैम उसको उसकी वेस्ट से टच करती है और टच करके बिठा कर बोलती है, बेबी यार कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ वन किस। तो कहती है नेहा, एकदम से कहती है, सैम कंट्रोल करो, ऑफिस है यहाँ, सीसीटीवी कैमरास भी लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इशू हो, आज ही तो आई हो, थोड़ा तो कंट्रोल करो, थोड़ा तो मैनेज करना सीखो। तो कहती है, हाँ ठीक है बाबा, हाँ मैनेज कर रहे हैं और क्या, पर तुम्हें मेरे साथ बैठने में क्या इशू है यार, मेरे बाजू में बैठो ना, तुम्हें देखती रहूँ, बस यही तो चाहती हूँ, बस तुम्हें देखना, तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले तुम हमारे साथ में किस ना भी करूँ तो भी ये जो लव वाला इमोशंस है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़। तो वो कहती है, ज़रूर मैं करती, बट ये मेरा ऑफिस है, बट यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे नहीं चलते हैं, नेहा कहती है, वो कुणाल सर के चलते हैं।
तो कुणाल सर की जब इच्छा होगी तो मैं इधर बैठूंगी, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ सैम। तो सैम बोलती है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि यहाँ पर बिठाऊँ, पर अभी वो बोलती है ठीक है अभी चलते हैं। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है वो अपना कॉलेज अटेंड करती है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब उसे इच्छा हो रही रहती है कि वो जैस को बात करे या उसके साथ टाइम स्पेंड करे। तो वो जैस को कॉल करती है पर जैस उसका कॉल ही पिकअप नहीं कर रही रहती है। करीब उसके कॉल 10 से 12 जाते हैं तब भी वो कॉल पिकअप नहीं कर रही रहती है। फिर इशिका को याद आता है कि सैम को कॉल करूँ क्योंकि सैम से ही वो अपनी सारी डिटेल्स लेकर आएगी। तो इशिका सैम को कॉल करती है। जैसी वो सैम को कॉल करती है तो सैम उसका कॉल पिकअप करती है और पिकअप करने के बाद वो बोलती है हाय इशिका, आज मेरी याद कैसे आ गई आपको, और अब तो शायद कोई रीज़न भी नहीं है मुझसे बात करने का। तो इशिका कहती है अरे सैम, मुझे आपसे बात करने के लिए थोड़ी ना कोई रीज़न की ज़रूरत है, जब मेरा मन करेगा मैं आपको कॉल तो कर सकती हूँ ना। तो कहती है बेशक ज़रूर, मैंने कब मना किया है, पर आप बिना काम के मुझे कॉल नहीं करती हैं, चलिए बताइए क्या काम है। तो कहती है यही बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छे से पता है सैम, कि आप हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाते हो बिना बोले। तो कहती है ठीक है चलो बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है मैंने जैस को बहुत ज़्यादा कॉल करे थे बट शी इज़ नॉट पिकअपिंग माई कॉल, कैन यू जस्ट टेल मी कि वेयर शी इज़। ओह तो वो कॉल पिकअप नहीं कर रही है यार, उसने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी थी और मैंने फिर उसको उठाया भी नहीं क्योंकि वो सो रही थी, पर अभी हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब लंच टाइम चल रहा है, 2-3 बज चुके हैं और वो अभी तक उठी नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो मेरा अगर वो आपके कॉल पिकअप नहीं कर रही है तो वो मेरे भी नहीं करेगी। तो हो सकता है वो ड्रिंक की वजह से उठी ना हो, सो रही होगी बहुत ज़्यादा, जब उठेगी तो आपको कॉल कर लेगी और नहीं हुआ तो मैं शाम को कॉल पे बात करवा दूँगी। तो कहती है इशिका कहती है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा सैम, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हो सकता है ना ड्रिंक के बाद उनकी तबीयत ठीक ना हो, तो एक काम करो कि आप अपने फ्लैट का एड्रेस दे दो कि मुझे, मैं प्लीज़ जाकर उनको देख लेती हूँ क्योंकि इससे पहले कुछ हो जाए अच्छा नहीं है। तो सैम को तो बहुत हंसी आ रही रहती है और उसे मतलब उसे मज़ा भी आ रहा रहता है कि यार चल आग तो दोनों तरफ से लगी हुई है, बट कहना तो वो कुछ आती नहीं थी। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ आप देख लीजिएगा। तो जो सैम है वो व्हाट्सएप कर देती है एड्रेस। जैसे वो व्हाट्सएप एड्रेस करती है यहाँ से पूरा काम ख़त्म होने के बाद जो इशिका रहती है वो अपनी एक्टिवा से जाती है। जैसे वो जाती है तो वो सैम के मतलब इस बार जैस का फ्लैट रहता है तो जैस के फ्लैट में बहुत रिंग करती है पर वो ओपन ही नहीं होता है, ओपन ही नहीं होता है। फिर इशिका बोलती है सैम को कॉल करके कि यार मैं इसको इनको इतना मैं डोर बेल इतनी बजा रही हूँ बट ओपन नहीं होता। तो कहती है ओके कोई बात नहीं, वहाँ देखो एक फ्लावर पॉट है वहाँ पर एक की रखी होगी उस की से ओपन करो। तो वो फ्लावर पॉट के वहाँ पर अंदर घुस घुस के देखती है तब जाके की मिलती है और वो की से ओपन करती है गेट और अंदर जाकर देखती है। देखती है तो जैस अभी भी सो रही रहती है बहुत ज़्यादा और उसका मतलब वो होश में ही नहीं रहती इतनी ज़्यादा। जैस बहुत कम ड्रिंक करती थी लेकिन कल वो इशिका की यादों को हटाने के लिए उसने ओवरफ्लो में ड्रिंक कर लिया रहता है। और जैसी वो जब ये ड्रिंक करते हुए देखती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है, वो काफ़ी देर तक थोड़ा अलग फील कर रही रहती है। तो वो एक एक दो बार जो इशिका जाती है जैस को बहुत बार हिलाकर बोलती है जैस ओपन ओपन योर आइज जैस ओपन ओपन, पर वो नहीं कर रही रहती है। तो और उसके कानों में से आवाज़ गूंज रही रहती है जैस के कि इशिका बुला रही है, पर उसके मन में यही चीज़ चल रहा था यार इशिका सपनों में भी आ रही है, अब क्या हो गया, अब मतलब मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ क्या इशिका से कि मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई दे रही है, उसका हर एक चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा है। डिड आई फॉल इन लव विथ हर,
और वो अपने आप से लड़ रही रहती है। उतनी देर में जो जैज़ को उठाने के लिए इशिका क्या करती है, वहाँ पर वाटर बॉटल रहती है, उसका पूरा पानी उसके मुंह पे डाल देती है। जैस एकदम से हड़बड़ाहट के उठती है और वो उठ के बैठ जाती है और वो कहती है कि क्या हो गया क्या हो गया। तभी इशिका बोलती है, क्या हो गया है मतलब क्या, कितनी देर से उठा रही हूँ, उठ क्यों नहीं रही हो, और कौन कुंभकर्ण की तरह सोता है, आई मीन इतना कौन सोता है, जब हैंडल नहीं होती है ड्रिंक तो तब पीते क्यों हो, अब पीकर अपनी तबीयत खराब करनी है क्या, मतलब हद नहीं होगी आपकी, इतनी ज़्यादा पीने की क्या ज़रूरत थी जब हैंडल नहीं होती है। तो जैस अपने मुंह पे हाथ फेरती है और बोलती है, यार वो कल गलती से पी ली यार, मेरा सर बहुत ज़्यादा फटे जा रहा है, आप मुझे ऐसे चिल्ला क्यों रही हो यार, मतलब बहुत ज़्यादा फट रहा है, मुझ पे कोई नहीं चिल्लाता, यू नो सैम की भी हिम्मत नहीं होती और आप मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो कहती है, अरे आप गलती करोगे तो चिल्लाऊंगी ना, अब वेट करो 2 मिनट में मैं आई। वो वहाँ से जाती है मतलब किचन में जाती है, वहाँ से ग्लास लेती है, ग्लास ऑफ वाटर में वाटर मेलन डालती है और मतलब वाटर मेलन जूस बनाती है उसमें, और फिर आकर जैस को देती है। तो जैस जैसी वो पीती है तो उसे थोड़ा सा बेटर फील होता है और वो कहती है, आपको मेरे फ्लैट की कीज़ वगैरह कहाँ से मिली। तो कहती है, वो सब बाद में देखेंगे, पर आप पहले पी लो और थोड़ा रिलैक्स करो। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, अब आगे क्या होगा इशिका और जैस के बीच में और सैम और नेहा के बीच में। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।